Hi friends, welcome to my channel. Today I am going to show you in this video about TUV average. TUV की mileage कितनी है? ये गाड़ी मेरे को 8 साल हो गए चलाते हुए और मेरे को लगा कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं तो 200 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी, तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो में अगर आपको देखना है कि कितनी एवरेज देती है TUV तो बने रहिए, धन्यवाद। देखते हैं, मेरी गाड़ी जो है 83,500 के लगभग चली है और इसको 8वां साल है। जीरो, ठीक है जी, आराम से। जो है डीजल फुल करा लिया, दिखाया जैसे मैंने आपको। अब मैं अपनी जो ट्रिप है, ट्रिप ए को जीरो कर देता हूँ, तो ये ट्रिप जीरो हो गई मेरी। सो डीजल भरवाने के बाद हमने गाड़ी चला ली है 9 किलोमीटर और मेरा डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा रहा है 877। तो टीयूवी में खासियत है, इसका टैंक जो है 60 लीटर का है। डीजल भले ही मेरा 52 आया है, हो सकता है पहले से 5-7 लीटर भरा हो, तो गाड़ी जो है 900 किलोमीटर चल सकती है। और अगर जिस स्पीड से मैं चलाने वाला हूँ गाड़ी को, अभी आगे देखेंगे, तो हो सकता है आप 900 किलोमीटर के पार भी कर दें गाड़ी को एक ही टैंक में। वहाँ से हम लोग लेंगे मेरठ एक्सप्रेस वे। तो जो हमारी डेस्टिनेशन है वो यहाँ से दिखा रहा है 3 घंटे 22 मिनट और 213 किलोमीटर। और इस एक्सप्रेस वे की जो लिमिट है 70 किलोमीटर पर आर की, तब तक आप जो है यूपी बॉर्डर में नहीं घुसते हो। तो मैं जो मेंटेन करने वाला हूँ स्पीड, वो 80 से नीचे ही रहने वाली है और RPM मैं देखूँगा 2000 के आसपास रहे। सो रेट ये TUV जो है उस कंडीशन में सबसे बेस्ट एवरेज देती है। सो गाड़ी हमारी चल चुकी है 50 किलोमीटर डीजल भरवाने के बाद और आप देखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है बढ़ गया, 989 हो गया। बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में जो अभी देखो मेरा RPM जो है 2000 RPM से नीचे है और स्पीड भी आप देखो 70 से 80 बीच में ही चला रहा हूँ। ये मेरी अभी तक कांस्टेंट स्पीड रही है, इससे ऊपर मैं नहीं गया हूँ बिकॉज मुझे माइलेज टेस्ट करना है और माइलेज तभी आपकी आती है तब आप एक पर्टिकुलर रेंज के बीच में गाड़ी चलाते हैं और ज़्यादा एक्सलेट नहीं करते। आप देखो मेरा फुट भी काफ़ी लाइट है, अभी लाइट फुट में गाड़ी चला रहा हूँ। हम लोग मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे से उतर चुके हैं और अभी मेरठ बाईपास पे हैं। दिल्ली से सराय काले खां से यहाँ तक आने के लिए आपको 45 मिनट चाहिए, कुछ नहीं है। और मैंने अपनी स्पीड जो है 80 की स्पीड में आया हूँ मेंटेन करके, बिकॉज मुझे एवरेज भी निकालनी है। तो अभी जो हमारी लोकेशन है जहाँ पे पहुँचना है वो मैप के अकॉर्डिंग दिखा रहा है 2 घंटे 28 मिनट। हमने गाड़ी चला ली है 100 किलोमीटर और हमारी डेस्टिनेशन दिखा रहा है अभी 1 घंटा 59। और अगर मैं डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखाऊं तो देखिए 995 पहुंच गया है। तो अगर आप जो स्पीड में मेंटेन कर रहा हूं इस गाड़ी में या किसी भी गाड़ी में 2000 RPM से नीचे और 70 से 80 के बीच में, तो आपकी माइलेज हमेशा अच्छी रहेगी। अभी देखो रोड जो है थोड़ा ट्रैफिक है मेरठ बाईपास के बाद से, अभी हम सहारनपुर पहुँचने वाले हैं, अभी 30-40 किलोमीटर हैं यहाँ से, तो यहाँ भी ट्रैफिक है। लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि स्पीड जो है मेंटेन रहे, कोई मैं रैश ना करूँ गाड़ी को। मुजफ्फरनगर 34 है यहाँ से एग्जैक्ट। चलो चलते हैं आगे, देखते हैं गाड़ी क्या देती है माइलेज। सो गाइस, हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पहुँच गए हैं और यहाँ पर हम लोग अपना फाइनल डीजल भरवा रहे हैं बिहारीगढ़ के आसपास, देखते हैं कितना डीजल आता है। जीरो, क्या रेट है यहाँ पर? मैंने इस वाले पंप से भराया है, बिहारीगढ़ के आसपास ये पंप है और ये मेरी रीडिंग है। मैंने भराया है 12 लीटर और मेरी गाड़ी अब देखो अब चल रही है, चली गई है 232। तो अगर मैं इसकी एवरेज निकालूं
232 डिवाइड बाई कितना होता है 12, 19.33। ये रिकॉर्ड बन जाएगा टीवी का, किसी ने निकाला नहीं होगा इतना। हाय गाइस, तो देखा आपने टीवी में माइलेज 19.5 की मैंने निकाली है, 19.3 की निकाली है, लेकिन ये 19.5 और 20 भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ टीवी की बात नहीं है, आप किसी भी गाड़ी में अगर ये जो स्पीड मेंटेन करते हैं, आरपीएम का कंट्रोल करते हैं और क्रूज़ कंट्रोल भी अगर आपकी गाड़ी में है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आप उस गाड़ी से एक मैक्सिमम कैपेबिलिटी, मैक्सिमम माइलेज निकाल सकते हैं। टीवी एक बहुत भारी गाड़ी है, लेकिन फिर भी ये जो मैंने गाड़ी की माइलेज निकाली है, ये मेरा खुद पर्सनल रिकॉर्ड है। पिछले 7 साल से ये गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने आज तक कभी 19.3 जो कभी मतलब 19 भी क्रॉस, कभी टच 18.9 किया था मैक्सिमम, कभी 19 नहीं किया है, 19.5 ट्रिप पे निकाला है। तो की टू सक्सेस यही है कि आप गाड़ी जिस हिसाब से मैंने चलाई है वैसे चलाइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर और रानस पे इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।